हमारे साथ अलका लांबा जी, उनसे हम बात करेंगे। मैम, आज हमने खर्चे पर चर्चा ये कैंपेन शुरू किया है महाराष्ट्र में, क्या कैंपेन है? देखिए, खर्चे पे चर्चा कैंपेन जो अभियान की शुरुआत हम कर रहे हैं वो 288 मुंबई महाराष्ट्र की विधानसभा में ले जाने का है। मकसद ये है कि हमारी महाराष्ट्र की बहनें धोखा ना खाएं, गुमराह ना हो जाएं, क्योंकि ये सरकार ने धोखे किए हैं और ये धोखा कर रही है। मैं आपको बताती हूँ, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार अभी बनी है, साल नहीं हुआ। कर्नाटक में हमारी अभी सरकार बनी, हिमाचल में अभी सरकार बनी। सरकारों ने बनते ही हिमाचल की सरकार 1500, तेलंगाना की सरकार 2000, कर्नाटक की 2500 रुपया दे रही है शुरुआत में, पूरे 5 साल देंगे। ये सरकार क्या कर रही है? महंगाई, बेरोजगारी से बहने परेशान थी, लेकिन इस सरकार ने 5 साल तक सुनी नहीं। अब पता है हारने जा रहे हैं तो बहनों का वोट लेने के लिए चुनावों से 1.5-2 महीना पहले ये शगुफा छोड़ दिया, लाडली बहना योजना 1500 रुपया देंगे। ये धोखा है, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 500 रुपए का घरेलू सिलेंडर मिल रहा था महिलाओं को पूरे 5 साल तक। क्या हुआ? मोदी की गारंटी 450 का देंगे। राजस्थान की बहनों ने भाजपा को वोट दिया मोदी की गारंटी पर। आज मैं कहती हूँ राजस्थान की बहनों को 450 का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से आ रही हूँ, भाजपा की सरकार है, इसी लाडली बहना योजना पर 1000 रुपया देंगे, बहनों को पैसा नहीं मिल रहा है। आपने ये पोस्टर दिखाया, ये पोस्टर क्या बताता है? आप ये पोस्टर भी लगाने वाली, ये क्या मुहिम का क्या हिस्सा है? खर्चे पर चर्चा करेंगे। आज मैं मुंबई की 2 विधानसभाओं में जा रही हूँ, पूरे महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर बहनों को बुलाकर बिठाकर खर्चे पर चर्चा करेंगे कि आज आपके खर्चे कितने हैं, काम कितना है, कमाई कितनी है, क्या 1500 में गुजारा होगा? हमें पक्का मालूम है कि एक बहन यही कहने वाली है कि इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई में 1500 रुपए में जो अब देने जा रहे हैं चुनाव से पहले, उसमें घर का गुजारा नहीं चलता है। गणेश उत्सव शुरू है, आपने एक एग्जाम्पल दिया कि आप जब आ रही थी तो आपने देखा लोग ले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने आपसे भी कहा कि बजट ज्यादा होने के चलते वो बप्पा की सेवा नहीं कर पा रहे हैं जितनी वो पहले करते थे, क्या आपको उदाहरण मिला? देखिए, बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ है। गणपति महाराज जी के इस समय का सबको इंतजार रहता है, बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां आती थी और लंबे समय तक गणपति जी को लोग घर पे रखते थे, त्योहार का माहौल रहता था, आना जाना और प्रसाद सब चलता था। अभी मूर्तिकारों से अगर पूछेंगे तो वो कह रहे हैं बड़ी मूर्तियां बनाना बंद कर दिए क्योंकि अब नहीं है उसको लेने वाले, छोटी छोटी मूर्तियां बना रहे हैं। लाने वाले भी कह रहे हैं कि गणपति बाबा को चाहते थे लंबे समय तक घर में रखें और सुख समृद्धि रहे, लेकिन 1 दिन 2 दिन इससे ज्यादा अब रख भी नहीं पा रहे हैं। सो महंगाई का बहुत ज़्यादा असर इन त्योहारों पे पड़ा। अब तो त्योहारों की शुरुआत हो गई ना, आप दिवाली आएगी और इन सब के साथ राहत कहीं नहीं है। सिर्फ चुनाव के लिए, वोटों के लिए आपने ये जो खोखली योजनाओं की घोषणा की है, असली ये है कि महालक्ष्मी योजना 1 लाख रुपया सालाना हर गरीब परिवार की एक महिला को केंद्र में हम आते देते, आज केंद्र में आप हैं, दीजिए हमारी बहनों को सिलेंडर 500 कर दीजिए। आज गणपति बाबा के इसमें अगर ईमानदार सरकार है तो मैं कहूँगी ऐलान करो कि मेरी बहनों को, महाराष्ट्र की बहनों को LPG घरेलू सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, करिए आप घोषणा। शिंदे कहते हैं कि सिर्फ कांग्रेस चुनाव है इस वजह से लाडली बहन योजना का विरोध कर रही है, और खुद उनके जो प्रमुख है वो कहते हैं कि सरकार बनते 3000 देंगे, तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम विरोध कर रहे होते तो हम क्या हिमाचल में दे रहे होते, तेलंगाना में हमारी सरकार, कर्नाटका में हम विरोध करते तो वहाँ हम दे रहे होते? नैरेटिव बनाती है आप। हाँ नहीं, मैं ये कह रही हूँ, हमने कब दिया? सरकार में आते ही दे रहे हैं और 5 साल तक देंगे। आप कब दे रहे हैं? जब 5 साल आपके पूरे हो गए, आप हारने जा रहे हैं। महिलाएं पूरी तरह से महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, राहत नहीं मिली तो हार के डर से जाते जाते आप बहनों को अगर ये सोच रहे हैं एक लालच दे देंगे, 1500 रुपए खाते में डालेंगे, खुश हो जाएंगी, 5 साल के लिए आपको वोट दे देंगी, तो वो धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी महिला को। अब अगर वो 1500 दे रहे हैं चुनाव जीतने के बाद बंद कर देंगे? नहीं, वो देंगे ही नहीं, उन्होंने 5 साल दिया, उन्होंने नहीं दिया ना, अब क्यों ऐलान किया? चुनाव आ गया, हार को सामने देखते अब ऐलान किया। हम अपनी सरकारों की तर्ज पे महाराष्ट्र में सरकार बनते ही 1500 नहीं 3000 रुपया बिल्कुल खातों में डालेंगे, क्यों? क्योंकि सरकार के पास पैसा है, लेकिन वो सरकार का पैसा भ्रष्टाचार में जा रहा है। हम वो पैसे को बचाकर बहनों के खाते में, आज भी कह रहे हैं 1500 नहीं 3000 डाल सकते थे, पूरे 5 साल तक डाल सकते थे, जो आपने नहीं डाला। आपने अजीत पवार पे भी निशाना साधा कि आंगनवाड़ी महिलाओं को लेकर एक असंवेदनशील बयान दिया,
देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैंने तो नहीं कहा कि ये वही अजीत पवार जी जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 70,000 करोड़ भी कम पड़ रहा था, चक्की पिसवा रहे थे, आज चक्की नहीं पीस रहे, मंत्री हैं। आज वो हमारी बहनें, आंगनवाड़ी बहनें जो मानदेय दुगना करने की बात कर रही है कि महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा, उनको कहते हैं इनको 1 लाख भी दे दो तो इनको इनको पूरा नहीं होगा। आपको 70,000 करोड़ निगल गए और कुछ आप पर आँच नहीं आई। आज हमारी बहनें महंगाई और बेरोजगारी के चलते आर्थिक राहत मांग रही हैं और आप उनका अपमान करते हैं ये कहकर। तो चर्चे की तो बात करें, महाराष्ट्र महिला सुरक्षा को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। महायुति के दो पक्षों पर तो आपने बात कर ली, एक तो शिंदे पर, एक अजीत पवार पर। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, देवेंद्र फडणवीस के पास है। बदलापुर की जब घटना हुई उस वक्त भी ऐसे पोस्टर देखे गए जहाँ पर लाडली बहन योजना को लेकर बातचीत हुई, तो क्या महिला सुरक्षा भी यहाँ पर? बिल्कुल, महिला कांग्रेस के लिए इस समय दो अहम मुद्दे हैं, तीन हैं। नंबर एक महिला सुरक्षा, नंबर दो महंगाई आर्थिक मदद, तीसरा जो है महिलाओं की राजनीति में भारी भागीदारी, 33% आरक्षण। अगर आप मुझसे महिला सुरक्षा की बात करेंगे तो 29 अगस्त को महाराष्ट्र के नागपुर में पूरे महाराष्ट्र की बहनों ने एक बड़ा आंदोलन किया, लाल वस्त्र पहनकर सिर्फ महिला सुरक्षा के मुद्दे पर 29 अगस्त नागपुर में हमने इस सरकार को घेरा है। बदलापुर का स्कूल किसका है? भाजपा के नेता का है और हर अपराध में भाजपा के नेता शामिल है। मैं सुन रही हूँ किसी नेता ने बहुत बड़ा बयान दिया कि अपराधियों को वो नपुंसक करेंगे, वो भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, सूची मैं देती हूं, विधायक हैं, सांसद हैं, रेप के मामले दर्ज हैं, आप उन्हें बचा रहे हैं, पैरोल दे रहे हैं, पहले उन पे कार्रवाई करके दिखाइए, तब आपकी बात में दम मानेंगे हम लोग। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.